हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने अपनी सारी आंखों के इलाज की पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चश्मा हटाने के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए ये प्रोसीजर हमारे लिए सबसे लाभदायक साबित होगा। हम बात करने वाले हैं सरफेस अब्लेशन के बारे में। देखिए, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि सरफेस अब्लेशन जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन की रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, यानी कि चश्मा हटाने के लेज़र्स का जब आगाज़ हुआ था तो सबसे पहले तरीके से जो लेज़र का इस्तेमाल किया गया था वो आँख की पुतली की सतह के ऊपर डायरेक्टली लेज़र को डाल के चश्मे के नंबर को हटाया गया था, पुतली की शेप को चेंज किया गया था, जिसको कहा गया था सरफेस अब्लेशन या PRK। PRK का फुल फॉर्म है फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी, यानी कि लेज़र का इस्तेमाल करके पुतली की शेप को बदल देना और चश्मे का नंबर पुतली में से हटा देना। अब हम बात करते हैं कि ये जो PRK है इसमें और इसके जो नेक्स्ट जनरेशन्स यानी कि जो फर्दर एडवांसमेंट्स हुए हैं उनमें क्या फ़र्क हैं, और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें कि हम आँख के अंदर बिना कोई निशान छोड़े चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी आँख में कोई ऐसा ऑपरेशन हो जाए कि चश्मा भी हट जाए, कोई भी अननेचुरल चीज़ आँख में ना हो, यानी कि कोई निशान भी ना हो, कोई कमज़ोरी भी ना बचे, कोई देख के बता ही ना सके कि आँख में कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो रखा है, आँख को छेड़ा भी गया है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो फिट हो, वो बॉक्सिंग करने के लिए भी फिट हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने में भी उन्हें कोई ख़तरा ना हो, होली पे रंग खेलने में भी कोई डर ना लगे, और ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ वो ऐसे ही कर पाएँ जैसे कोई नॉर्मल इंसान कर पाता है। कंप्यूटर यूज़ करें तो उनको ड्राइनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ड्राइनेस भी ऐसे ही रहे जैसे किसी नॉर्मल इंसान की होती है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर क्या एग्जिस्ट करता है? उसका आंसर है यस, एग्जिस्ट करता है, एंड उस प्रोसीजर को कहते हैं सरफेस अब्लेशन। तो सरफेस अब्लेशन के डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम हैं, क्या क्या इन टेक्नोलॉजीज़ के फ़र्क हैं, इसको हम आज जानने वाले हैं। तो सरफेस अब्लेशन में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट सरफेस की, जो है लेटेस्ट तरीका चश्मा हटाने के। जो ये सरफेस अब्लेशन हैं यानी कि टचलेस सर्जरी है, उसको करने का जो सबसे एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा कस्टमाइज तरीका है वो है स्मार्ट सरफेस। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सरफेस अब्लेशन का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, क्या ये सरफेस अब्लेशन आज भी फर्स्ट जनरेशन सर्जरी ही है या उससे एडवांस होके कुछ अब और ही बन चुका है। तो हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे PRK और एपिलेसिक, स्ट्रीमलाइट, एपिकॉन्टूरा और स्मार्ट सरफेस के बारे में। ये सभी सरफेस एब्लेशंस हैं। देखिए, PRK और एपिलेसिक के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉर्निया की यानी हमारी आँख की पुतली की एनाटमी को समझ लेते हैं। इसमें मोटी मोटी दो बातें समझने की। पुतली की दो परतें होती हैं। ऊपर की परत को हम एपिथीलियम कहते हैं। जो हमारी आँख की एपिथीलियम होती है पुतली की, वो हर 8-10 दिन में रिप्लेस हो जाती है हमारी स्किन की तरह। तो ये एक टेम्प्रेरी लेयर होती है, इसमें किए गए बदलाव जो हैं वो परमानेंट नहीं होते। दूसरी मोटी लेयर जो पीछे होती है वो है स्ट्रोमा। कॉर्निया का स्ट्रोमा परमानेंट परत होती है जो रिप्लेस नहीं होती। इसमें किया गया बदलाव परमानेंट है और इसी में बदलाव करके हम इसकी शेप को बदल के चश्मे का नंबर हटाते हैं। एपिलेसिक और PRK के अंदर हम आँख की पुतली की सतह यानी कि एपिथीलियम की लेयर को या तो अल्कोहल से ट्रीट करके या स्क्रैच करके रिमूव कर देते हैं, और उससे नीचे जो परमानेंट लेयर है यानी स्ट्रोमा है उसके ऊपर डायरेक्टली एक्साइमर लेज़र यानी कि लेसिक वाला लेज़र डाला जाता है,
जो कि उसकी शेप को चेंज कर देता है। इसके बाद आंख के प्रोटेक्शन के लिए एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, जिसके नीचे जो एपिथीलियम है यानी कि टेम्पररी जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ग्रो कर जाती है, नेचुरल तरीके से हील हो जाती है, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव कर देते हैं। अब इसमें जो एपिथीलियम को हमने रिमूव करा वो स्क्रैच करके करा या एल्कोहल यूज करके करा। जो हमने नंबर हटाया वो नॉर्मल लेसिक की तरह का लेजर इस्तेमाल करके हटाया, यानी कि एक नॉन कस्टमाइज्ड, कोई हायर ऑर्डर एब्रेशन रिमूव नहीं होंगे, प्यूपिल सेंटर्ड लेजर किया जाएगा। अगर हम बात करें स्ट्रीम लाइट की, तो स्ट्रीम लाइट एक तरीका है चश्मा हटाने का जो सरफेस एब्लेशन में ट्रांस एपिथीलियल ट्रीटमेंट करता है, यानी कि इसके अंदर हमें लेजर से डायरेक्टली कॉर्निया की एपिथीलियम को रिमूव करने की फैसिलिटी मिल जाती है। हमें कोई अल्कोहल से या स्क्रैच करके एपिथीलियम को रिमूव नहीं करना पड़ता, हम पुतली को टच करे बिना ही एपिथीलियम को रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली लेजर को पुतली की सतह पर डाल के, और उसके बाद नंबर करेक्ट हो जाता है बिना बीच में रुके, यानी कि एक सिंगल स्टेप में हम सिर्फ एक बटन दबाएंगे और चश्मे का नंबर जो है वो पूरा हट जाएगा। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा देंगे और कॉन्टैक्ट लेंस के नीचे नॉर्मल हीलिंग हो जाएगी। अब स्ट्रीम लाइट के अंदर जो एपिथीलियम का रिमूवल है वो तो आप मैनेज कर सकते हैं कि आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन जो लेज़र वाला पार्ट है यानी नंबर हटाने का जो स्ट्रोमल एब्लेशन होना है वो कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अगेन नॉर्मल लेसिक जैसा ही होता है। इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक इनोवेशन किया गया, यानी कि एक तरह का जुगाड़ किया गया जिसको हम कहते हैं एपिकॉन्ट्यूरा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले एपिथीलियम को रिमूव करते हैं या तो स्क्रैच करके या फिर एक दूसरा लेज़र होता है जिसको हम PTK बोलते हैं, जो कि एक तरह का एक्साइमर लेज़र है, एपिथीलियम को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर हटाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, उसको करते हैं, और उसके बाद फिर हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हम कॉन्टूरा में करते थे। तो सेम ट्रीटमेंट को हम करते हैं, 2 स्टेप्स में करते हैं। इसके अंदर हम कस्टमाइज करके हायर ऑर्डर एब्रेशंस को करेक्ट कर पाते हैं, विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन पे ट्रीटमेंट कर पाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एपिथीलियम को कस्टमाइज रिमूव नहीं कर पाते हैं। अब आती है बात जो सबसे ज़्यादा कस्टमाइज्ड और एडवांस ट्रीटमेंट है, द ओरिजिनल ट्रांस एपिथीलियल PRK, विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट सरफेस। तो देखिए, श्विंड एमारिस पे होने वाला ये ट्रीटमेंट अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है, और आज तक किसी और मशीन में ये ट्रीटमेंट नहीं परफॉर्म किया जाता है। इस ट्रीटमेंट की क्या खासियत है, इसमें हम हमारी एपिथीलियम को भी कस्टमाइज तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 सेकंड रुक के समझते हैं कि एपिथीलियम को कस्टमाइज रिमूव करने का क्या मतलब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पेशेंट का एपिथीलियल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि एपिथीलियम की थिकनेस वेरिएबल है, सेंटर में कुछ और है, साइड्स में कुछ और है। अगर हम इस टेम्पररी लेयर को एग्जैक्टली उतना ही रिमूव करें जितनी ये थिकनेस में है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ट्रीटमेंट होगा, जो कि हम एपिकॉन्ट्यूरा में नहीं कर पाते। इस ट्रीटमेंट में, इस मशीन में, स्मार्ट सरफेस के अंदर हम एग्जैक्टली इतना ही माइक्रॉन्स का एपिथीलियम रिमूव करेंगे हर जगह से जितना वो है थिकनेस में। इसके बाद चश्मे के नंबर का जो रिमूवल है वो भी कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज्ड के साथ साथ वो 7D ट्रैकिंग के साथ किया जाएगा, और उसके अंदर डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन होगा। तो अगर हम हेड टू हेड कंपेयर करें तो हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले एपिलेसिक और PRK, इसके अंदर एपिथीलियम का रिमूवल कम्प्लीटली नॉन कस्टमाइज्ड है और मैकेनिकल है। स्ट्रीम लाइट के अंदर एपिथीलियम का रिमूवल कस्टमाइज्ड है, लेज़र द्वारा है। एपिकॉन्ट्यूरा के अंदर एपिथीलियम का रिमूवल नॉन कस्टमाइज्ड है, यानी कि PTK द्वारा किया जाता है, नॉन मैकेनिकल तरीके से, बट नॉन कस्टमाइज्ड है। स्मार्ट सरफेस के अंदर एपिथीलियम का रिमूवल ऑटोमेटेड भी है और
ये लेजर द्वारा किया जा रहा है जो कस्टमाइज्ड एपिथीलियम को रिमूव करेगा, यानी कि जिसकी थिकनेस जितनी है उस पॉइंट पे उतनी ही एपिथीलियम रिमूव करी जाएगी। फिर हम बात करते हैं जो एब्लेशन हो रहा है, यानी कि जो नंबर हटाने वाला लेजर हो रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो एपीलेसिक या PRK के अंदर ये ट्रीटमेंट प्यूपिल सेंटर्ड होगा और ये हायर ऑर्डर एब्रेशंस को ट्रीट नहीं करेगा। अगर हम बात करें स्ट्रीमलाइट की, तो स्ट्रीमलाइट के अंदर भी ये प्यूपिल सेंटर्ड होगा और कस्टमाइज ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अब हम बात करें एपी कॉन्टूरा की, तो इसके अंदर ये ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होगा और स्मार्ट सरफेस के अंदर भी ये ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होगा। तो यहाँ तक हमारी ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि जो स्ट्रीमलाइट और एपीलेसिक या PRK हैं वो एक नॉन कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं कि एपी कॉन्टूरा और स्मार्ट सरफेस में और डिटेल में जाएं तो क्या पता चलता है, क्या हम एनालिसिस कर पाते हैं। एपी कॉन्टूरा के अंदर जो ट्रीटमेंट की ट्रैकिंग होगी, यानी कि हायर ऑर्डर एब्रेशंस को करेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई की मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाना ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो एपी कॉन्टूरा में 2-डायमेंशनल होगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा, जबकि स्मार्ट सरफेस के अंदर ये 7-डायमेंशनल होगा, यानी कि ये आई और हेड दोनों के सारे ही डायरेक्शंस के मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएगा। कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाएगा, जिससे कि इस ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो डायमेंशन 7 और 2 के बीच का फ़र्क है, आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ से लेज़र की बीम आ रही है और आँख की ये सतह है, और सपोज कि ये लेज़र की बीम यहाँ फोकस्ड है और मेरी आँख यहाँ हो जाए, तो ये लेज़र की बीम बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो गई है, पर ये मूवमेंट एपी कॉन्टूरा की मशीन ट्रैक नहीं कर सकती, जबकि ये श्विंड अमेरिस स्मार्ट सरफेस ट्रीटमेंट में ट्रैक होता है। तो जब आँख ऐसे मूव कर जाएगी तो बीम क्रॉस कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे फोकस में नहीं रहेगी, जबकि स्मार्ट सरफेस की बीम आँख के मूवमेंट के साथ साथ मूव करेगी। तो ये फ़र्क है 7D ट्रैकिंग कर पाने का वर्सेस 2D ट्रैकिंग कर पाने का। दूसरी बात आती है साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन। एपी कॉन्टूरा में ये साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन स्टैटिक होता है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट जब स्टार्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट तब ये ट्रैकिंग होती है, ये मेजरमेंट होता है, इसके बाद ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आई मूव करती रहेगी ट्रीटमेंट के दौरान, पर मशीन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, जबकि स्मार्ट सरफेस के अंदर स्टैटिक के अलावा डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन होता है, यानी कि पूरे प्रोसीजर के दौरान कोई भी मूवमेंट होगा सिलेंड्रिकल एक्सिस का तो मशीन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोफाइल को कॉम्पनसेट करेगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर किए जाते हैं, डेटा पॉइंट्स, वो एपी कॉन्टूरा में कुछ 22,000 पॉइंट्स कैप्चर किए जाते हैं, जबकि स्मार्ट सरफेस के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किए जाते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन अप टू 5 टाइम्स हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एपी कॉन्टूरा में दूर दूर तक हैं ही नहीं, जिसमें स्मार्ट सरफेस जो टेक्नोलॉजी है उसका जो USP है वो काम आता है। वो है कि स्मार्ट सरफेस ट्रीटमेंट में 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज पे एक ही ट्रीटमेंट के दौरान मशीन वर्क करती है। ये फ्रीक्वेंसीज का फ़र्क क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, एपी कॉन्टूरा के अंदर या तो 400 या 500 kHz की फ्रीक्वेंसी पे काम होगा, यानी कि जो मशीन है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐसा माना जाता है कि हीलिंग होने के समय जो स्कारिंग होती है या हेज आने की जो संभावना होती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, यानी कि हेज आने की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, स्मार्ट सरफेस टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी को स्विच करके 250 Hz पे, यानी 250 kHz पे ला दिया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान ही, यानी कि 2/3 या 3/4 तक ट्रीटमेंट मशीन एक फ्रीक्वेंसी पे करेगी, वो 500, 750 या 1050 Hz हो सकती है, और उसके बाद सीधा जो मशीन है वो 250 पे स्विच कर जाएगी, और इस वजह से
केराटोसाइट का जो एक्टिवेशन है, यानी कि आंख की पुतली में जो स्कारिंग या धुंध पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं, सेल्स के एक्टिवेशन हैं, वो नहीं होती है और स्कारिंग बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाती है। इसी वजह से स्मार्ट सरफेस की जो हीलिंग है वो विद इन 3 डेज हो जाती है, जबकि एपिकॉन्टूरा या कोई भी और टाइप का सरफेस एब्लेशन 5 से 7 दिन मिनिमम लेता है। हेज की संभावना स्मार्ट सरफेस में बहुत ही मिनिमल हो जाती है, जबकि बाकी टाइप के सरफेस एब्लेशंस में इसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब समझ गए हैं कि ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो है पूरा सरफेस एब्लेशंस के बारे में, इसके क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप लोगों के कुछ और डाउट्स हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द साइंटिफिक कॉन्टेंट एंड पुट द टेक्नोलॉजीज इन द राइट परस्पेक्टिव टू ऑल अवर पेशेंट्स एंड पब्लिक। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम उपमा गौतम है और मैंने यहाँ पे डॉक्टर प्रख्यात से अपनी आंखों की सर्जरी कराई है, स्मार्ट सरफेस। और उससे पहले मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, चश्मा लगा कर ही देख पाती थी, लेकिन अब मुझे बिना चश्मे के दिखाई देता है। आज मेरा टेस्ट हुआ है और मैंने सारे अल्फ़ाबेट पढ़ लिए हैं। 0 0 2 2 3 5 0 0 2 2 3 5। बिल्कुल 6x6 पढ़ रही है, सब कुछ क्लास का कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं पहले स्पेक्स यूज करती थी, अब मैं डॉक्टर प्रख्यात रूप से मैंने स्मार्ट सरफेस लेजर सर्जरी करवाई है। पहले मुझे पढ़ने में क्लियरली फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन तक ही होती थी, अब लास्ट सेकेंड लाइन या लास्ट लाइन भी पढ़ पा रही हूँ। 0 2 5 3 5 3 7 4 0, इसके बाद का ब्लर है। 0 3 2 5 4 7 0 4 5 7 3 2 4 7 3 0 4 5 6 पढ़ लिया है। मेरा नाम रजनीश चौधरी है और मैंने यहाँ पे स्मार्ट सरफेस लेजर सर्जरी कराई है अपनी डॉक्टर प्रख्यात रूप से, जिनका नाम काफी सुना था मैंने दोस्तों से भी। एक मेरे दोस्त ने भी कराई थी पहले यहाँ, जिसका काफी अच्छा मेरे को रिकमेंडेशन मिला वहां से। और सर्जरी से पहले ये था कि मेरे को दूर का देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और चश्मा लगाने में बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था। तो जब से सर्जरी हुई है तब से धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी होती जा रही है तब से विजन अच्छा होता जा रहा है और वो सारी प्रॉब्लम जो चश्मे से हो रही थी वो अब नहीं हो रही। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।